हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड में अपना पासवर्ड कैसे रिसेट करना है पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हमारे वीडियोस जुड़े रहिए, नए हैं तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट साइड में यहाँ पे यूजर लॉग इन है, उसके नीचे हमारा आईडी पासवर्ड मालूम है, लेकिन हम आपको एक फॉरगेट पासवर्ड करके दिखा देते हैं। हमें कैसे पासवर्ड अगर नहीं मालूम है तो हमें कैसे सेट करना है, इसके लिए मैंने फॉरगेट पासवर्ड टैप कर दिया। हमारा ये विंडो सामने खुल गई है। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ईमेल आईडी का और सेकेंड मोबाइल नंबर और आधार नंबर से। तो ईमेल आईडी सब रजिस्टर नहीं रखते हैं अपने इस पर, इसलिए हम इसमें मोबाइल नंबर और आधार नंबर के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी का मैंडेटरी है रखना। तो इसलिए हम उसी से करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना आधार नंबर मैंने दोनों डाल दिया है। डालने के बाद अब मैं यहाँ पे सबमिट टैप कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास लिखा आएगा इंटर 6 डिजिट कोड सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसमें हमारा 6 डिजिट का कोड आ गया है, जो ओटीपी है। हमारा मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट भी लिखे हुए हैं जिसपे ओटीपी आया था, ओटीपी डाल दिया मैंने। यहाँ पर सबमिट कर दे रहे हैं ओटीपी डालने के बाद। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, हमारे यहाँ सीधा रिसेट योर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। हम इसमें नया पासवर्ड बना सकते हैं जो हमें बनाना है। बहुत ही आसान विधि थी, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें ऊपर जो पासवर्ड डाला है, सेम पासवर्ड नीचे भी डालना है और डाल के सिर्फ सबमिट कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इतनी जल्दी रिसेट करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख पा रहे हैं पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल, बहुत ही आसान तरीका। अब मैं आपको इसमें लॉग इन करके दिखाता हूँ और ये भी दिखा देता हूँ कि हमें पासवर्ड चेंज कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर लॉग इन पर टैप कर दिया, वहीं से यहाँ पर बेनिफिशरी वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड देख रहे हैं आप, मैं पासवर्ड डाल चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे कैप्चा फिलअप करता हूँ, कैप्चा मैं फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे कैप्चा फिलअप करने के बाद मैं लॉग इन पर टैप कर दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने नया पासवर्ड सेट कर दिया, मेरा लॉग इन हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें पासवर्ड चेंज कैसे करना है। हमारा पासवर्ड तो है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी चेंज करना चाहते हैं। तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं येलो कलर का ऑप्शन आ रहा है, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। लॉग आउट हमें करना है तो आईडी यहाँ से लॉग आउट होगी। अगर हमें चेंज पासवर्ड करना वो भी यहाँ से होगा। दोनों ऑप्शन अलग अलग है, ऊपर वाला चेंज पासवर्ड, नीचे लॉग आउट। तो हम चेंज पासवर्ड पर सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि हमें पासवर्ड चेंज कैसे करना है। रिसेट हम सीख चुके हैं, अब चेंज हम चेंज जैसे करना है तो हमें ओल्ड पासवर्ड मालूम होना चाहिए, जो हमारा पुराना पासवर्ड है जिसके थ्रू हम लॉग इन कर रहे थे। अब न्यू पासवर्ड जो हमें बनाना है, तो न्यू पासवर्ड पे हमने टैप करके जो हमें पासवर्ड बनाना था हमने वो डाल दिया, और कंफर्म पासवर्ड है वही जो हमें नया पासवर्ड बना रहे हैं वो दोबारा हमें नीचे डालना है, डाल के सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, हमारा पासवर्ड अपडेट हो चुका है नया वाला। बहुत ही आसान तरीका था, इतना आसान तरीका कि कोई भी कर सकता है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।